नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। आज के इस परिचर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पृथ्वीनाथ भगत, जो एक आयुर्वेदाचार्य हैं और आयुर्वेद पे बहुत बड़ी बड़ी शोध उन्होंने किया है। लेकिन एक बात और जहां जाता है कि आयुर्वेद की दवाओं पर लोग उतना भरोसा नहीं करते जितना अंग्रेजी दवाओं पर एलोपैथिक पे लोगों को भरोसा है। तत्काल रिजल्ट लाने के लिए लोग एलोपैथिक पे का सहारा लेते हैं, आयुर्वेद का सहारा नहीं लेते। ऐसा आखिर क्यों होता है डॉक्टर भगत जी, आयुर्वेद का तत्काल रिजल्ट क्यों नहीं होता? नमस्कार, मैं डॉक्टर पृथ्वीनाथ भगत। प्रश्न आपने जो किया है यह बहुत ही सराहनीय प्रश्न है। सबसे बड़ी बात मैं अगर मैं कहूं कि मरीज जो होता है आयुर्वेद के तरफ कम जाता है और अंग्रेजी दवाइयों के एलोपैथिक के पर ज्यादा अधिक जाता है। कि अगर किसी के सर में दर्द है जी, तो आयुर्वेद उसको चार दिन पांच दिन महीनों लेगा ठीक करने में। एलोपैथिक की एक दवा खाया और एक मिनट के अंदर उसको आराम मिल गया, रिलैक्स मिल गया और फिर काम पे चला गया। मैं ये इसका तत्काल रिजल्ट क्यों नहीं है? नहीं, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप अंग्रेजी दवाइयों को जो आपने एलोपैथिक नाम दे रखा है, एलोपैथिक नाम से जाना जाता है। देखिए, दो तरह के वृक्ष होते हैं। एक वृक्ष होता है कि बहुवर्षायु, बहुत चीर काल तक चलने वाला, और एक होता है छुप वृक्ष जो बारिश के दिनों में तो आते हैं परंतु सूर्य की गर्मी से मुरझा कर खत्म हो जाते हैं और बहुत सारी जमीनों का बर्बादी भी कर देते हैं, राइट। उसी तरह से मैं कहना चाहूँगा आयुर्वेद एक महाविशाल वट वृक्ष है और अंग्रेजी दवाइयाँ जो हैं वह जस्ट लाइक एक छुप वृक्ष के जैसे हैं। अभी आप कहना चाहते हैं, प्रश्न यह है कि अगर सिर दर्द होता है तो अंग्रेजी दवाइयों से ठीक हो जाता है, लेकिन आयुर्वेदा से बहुत जल्दी तुरंत तत्काल नहीं ठीक होता है। हाँ, जैसे एज ए पेन किलर में हम जाने तो आयुर्वेद को हम लोग उसको पहले चयन नहीं करते, हम पहले पेन किलर में एक अंग्रेजी दवाओं का चयन करते हैं जी। देखिए, अगर हमने कोई भी आहार लेते हैं, आहार तो आहार लेने में बहुत सारी इंद्रियाएं सहयोग करती हैं। यदि हाथ अगर उठाता है तो उसे डाइजेशन सिस्टम उसे डाइजेशन करता है और उससे फिर उसे रक्त बनाने की प्रक्रिया को लेकर जाता है। आयुर्वेद एक ऐसा चीज है, आयुर्वेद एक योजना है। यदि हम आयुर्वेद को पूरी तरह से समझ लें और आयुर्वेदिक विचार रखें तो मैं कहना चाहता हूं कि उससे भी बहुत जल्दी सिर दर्द गायब होते हैं। अभी देखिए, नेचुरल चिकित्सा है। समझ कर चलें कि यदि सिर दर्द हो रहा है तो यदि ठंडे पानी का यदि हम कोई लेप करते हैं या ठंडे पानी या चंदन का लेप करते हैं तो उससे भी सिर दर्द कम हो जाता है। हाँ, जहाँ तक रहा ज्वर के कारण बुखार आना, कारण तो होता है ना कि बुखार सिर दर्द क्यों हो रहा है, तो पैरासीटामोल जब हम लेते हैं तो वह एंटीपायरेटिक है, उससे बुखार उतर जाता है और सिर दर्द कम हो जाता है। तो ऐसी दवा आयुर्वेद में क्यों नहीं बनी? आयुर्वेद में दवाइयां हैं, सिर असुलादी वटी हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं। तत्काल रिजल्ट देता है, तत्काल रिजल्ट देता है कि हमको उसको आधे घंटे में एक घंटे में उसका रिजल्ट हमको मिल जाए, ऐसा तो नहीं है आयुर्वेद में? देखिए, जितनी गाड़ियां जो इतनी कंपनी है सर्विस सेंटर बनाई हैं, हमारे आयुर्वेद में सरकार भी बहुत ही कम लक्ष्य दी हैं। अभी की सरकार जो है 2014 के बाद जो बदली हैं, इसमें बहुत सारी आयुर्वेद पर शोध करने के लिए आयुर्वेद के प्रति तेजी से उत्थान लाया जा रहा है। सबसे पहले अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें आयुर्वेद के साथ साथ योगा, आयुर्वेद के साथ साथ आहार, आयुर्वेद के साथ विहार, आहार विहार जब तक हम ठीक से नहीं करेंगे,
तब तक ये रोग जल्दी नहीं खत्म होगे। तो ये तो हो गया कि ये तो कोई इलाज नहीं हुआ, ये तो हमारी सावधानियां हो गई कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो गर्म पानी पिए, पानी गर्मा के पिए, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं पौष्टिक आहार खाएं, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मच्छरों से बचे, ये हमारे सारी चीजें आज ये भाग है इसका। ये भाग है। जी बट एक एक ये भाग जैसे आज जी शल्य चिकित्सा जो होता है, जो हमारे चीड़ चीड़ फाड़ करके ऑपरेशन की सिस्टम है वो एलोपैथिक में है, आयुर्वेद में नहीं है। क्या अब हड्डियां टूट जाती हैं तो हड्डियों को जोड़ने के लिए जो शल्य चिकित्सा जो ऑपरेशन सिस्टम है वो जिस तरीके से एलोपैथिक में है वो सिस्टम हमारे पास आयुर्वेद में नहीं है। क्यों? देखिए, आयुर्वेद से ही शुरू हुआ। अगर आप कहें कि अगर आप कहें कि आयुर्वेद क्या है, तो आयुर्वेद एक जननी है। आयुर्वेद वो एक विभाग है। आयुर्वेद आयुर्वेद एक प्राकृतिक है, प्रकृति है, प्रकृति से ही हर चीज है। जो मॉडर्न साइंस जो आया है, यह आयुर्वेद का ही एक भाग है। ठीक है, भाग है। मैं जी आप भी मानते हैं क्या अगर हम एलोपैथिक के सिस्टम को हटा दें, जी क्या आयुर्वेद पूरा डिपेंड रह सकता है हमारा मेडिकल साइंस, हमारा जो जो चिकित्सा पद्धति है नहीं वहाँ निर्भर आज के दौर में निर्भर रहा जा सकता है सिर्फ आयुर्वेद पे? देखिए, शरीर में एक अंग का कम होना मतलब असुविधा हो जाना। ये जो दौर चल रहा है, युग बदलता है। एक युग था कि राजा महाराजाओं के पास भी वैद्य रहा करते थे। जी, अगर मैं कहूं कि रावण जी के राज्य में कौन था, तो सुषेण वैद्य थे। अगर भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण श्री को लक्ष्मण शक्ति को शक्ति लगी लगी और थी, एक दवा पिलाते ही और उनको मिनटों में होश आ गया। होश आ ये गया देखिए था। मतलब वो एक चिकित्सा पद्धति थी, वो एक ज्ञान था। इसका मतलब आयुर्वेद में आज भी ऐसी चीजें हैं कि हम मिनटों में किसी भी चीज का लाइलाज बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद का आज का शास्त्र, आज के जो आचार्य हैं, आज के जो आयुर्वेद आचार्य हैं, आज के जो जानकार हैं, शायद वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। कहते हैं कि जो मरीज हैं, आज के जो रुग्ण हैं, जो पेशेंट हैं, वो भी प्रॉपर आयुर्वेदाचार्य के पास अपना इलाज नहीं नहीं कराते करा हैं। पा रहे जी, ठीक ठीक आप अब देखे होंगे कि भारत सरकार जो है, आयुर्वेदाचार्यों को बहुत पीछे रखी है। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों की अगर बात करें, तो वो सीधा लिखती है कि MBBS का ही साइन चलेगा, आयुर्वेदा BMS का नहीं चलेगा। ठीक है, BMS, जबकि BMS एक ऐसा भारतीय संस्कृति के रीढ़ की हड्डी है, आयुर्वेदाचार्य। सिर्फ संस्कृति से काम नहीं चलता ना डॉक्टर साहब, जी संस्कृति से अगर अपना आदमी इलाज स्वस्थ स्वास्थ्य को निर्भर कर सके तो क्या सही है? नहीं, ये विषय आपका, आपने जो बोल रहे हैं, बहुत बहुत सही बात बोला आपने कि केवल संस्कृति से नहीं चलेगा, परंतु आयुर्वेद पर यदि भारत सरकार ठीक तरह से अगर ध्यान दे, जिस तरह से मैं एक बात कहूं कि अगर आप मेडिक्लेम के हिसाब से एक मॉडर्न साइंस का जो ट्रीटमेंट कराते हैं आप, सारी कंपनियां उसका क्लेम देती है, देती लेकिन आयुर्वेद का नहीं देती, आयुर्वेद का क्लेम पास नहीं हो नहीं होता। पाता है। हाँ ये गहन विषय है, गहन विषय, आपको बहुत विश्वास बड़ी बात, करना बहुत होगा। बड़ी आप बात जी कि कहीं ना कहीं हमारे सरकारी जो मिशनरियां हैं, जो जी सरकारी तंत्र है, जो जी सिस्टम है, वो कहीं कहीं हमारे आयुर्वेद को पीछे धकेल रहा नहीं, है, उनको साथ नहीं दिया जा रहा है सर, साथ नहीं दिया जा साथ नहीं दिया रहा। जा हाँ रहा है। तो अभी अभी कैसे क्या आप अपेक्षा करते हैं सरकार से कि सरकार किस तरीके से साथ दे कि आयुर्वेद पे चल करके हमारा जो चिकित्सा पद्धति है पूरी तरीके से निर्भर हो। पहले देखिए आपने राजा महाराजों का जिक्र किया, पहले क्या होता था, लड़ाइयां होती थी जी और ऐसे ऐसे लेप बनाते थे तब के जी वैद्य लोग जी कि जब लेप लगाने फिर उनके अंदर फिर से एनर्जी आ जाती थी, जी पूरा सब कुछ उनका घाव जितने भी चोट है सब खत्म हो जाते थे। आज वो सिस्टम हमारे पास, इसका मतलब आयुर्वेद बहुत बड़ा विषय रहा है, बहुत लंबा चिकित्सा का पद्धति रही, बहुत ही बड़ी चिकित्सा पद्धति थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान और जो अधूरा ज्ञान है, हमारा जो सिस्टम है, उसके चलते कहीं ना कहीं आयुर्वेद पीछे होता जा रहा है। ये मानते हैं कि ये बात मानते हैं?
ऐसा मैं नहीं मान सकता कि आयुर्वेद पीछे हो रहा है। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जिस ढकेला जा रहा है, हाँ ढकेला जा रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ तंत्र जा रहा है हमारे सिस्टम जी, इसलिए ढकेला जा रहा है। अभी मैं नहीं कह सकता ढकेले जा रहा है, इसके अपने आप पीछे हो सकता है, मैं ये कह सकता हूँ। जैसे सपोज करें कि आप किसी को सुविधा ना दें, तो ऑटोमेटिक जहां पे ढलान होगा पानी वहीं पर जाएगा। यदि बारिश, आज बारिश का मौसम चल रहा है, आपने देखा होगा, कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यदि प्रत्यक्ष है तो प्रमाण देने की गरज नहीं है। आज बारिश का मौसम है, आप देखिए जहां बारिश होगा जहां ढलान होगी पानी उधर ही जाएगा। आज आयुर्वेदाचार्य हैं, आज मजबूरी में मॉडर्न ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं जिनको उनको गहन गहन जो विद्या उनके पास, जो गहन विचार जो है, गहन ज्ञान जो आयुर्वेदा में है, वो मॉडर्न साइंस में उनके पास कम है। कम वो है। केवल केवल मेडिसिन का नाम, और एक डॉक्टर ने देखा कि ये एंटीबायोटिक इस बीमारी में दे रहा है, ये उसमें दे रहा है। बहुत सारे कम आयुर्वेदाचार्य हैं जो पूरी तरह से एंटीबायोटिक या हर चीज का जान करके उसका यूज करते हैं, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते जी, हैं, जी उनके उनके गहन विचार में है, उनके दिमाग में है, उनकी उनकी पूरा वेश आयुर्वेद है। अगर भारत सरकार इस बात को लाए कि जितनी ये मेडिक्लेम कंपनियां हैं इनको भी एक श्रेणी में रखा जाए, इनके ट्रीटमेंट को भी ध्यान में रखा जाए, तो उन सिर्फ आयुर्वेदाचार्य ही नहीं, भारत सरकार को भी फायदा होगा। यहाँ पे जड़ी बूटियों की उत्पन्न किया जाएगा और उसकी उसकी वैल्यू होगी। यहाँ आप कुछ इसके ऊपर एक एनजीओ संस्था बनाए हुए हैं और इसको डेवलपमेंट करने के लिए आपने कुछ प्लानिंग किया है, प्रोजेक्ट बनाए हुए थे, और यहाँ तक कि जो हमारे पास नॉलेज है, ज्ञान आया, जो हमको जानकारी मिली है कि आपने उस प्रोजेक्ट को, उस पूरी योजना को आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस में, पीएमओ ऑफिस में दिल्ली जाकर के भी आपने दिया है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी अभी तक उसका प्रत्युत्तर आपके पास आया नहीं। क्या सिस्टम कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आयुर्वेद को बढ़ावा देगा? सर, मैं इस विषय पर ये सबसे पहले बेसिक रूप से कहना चाहूँगा, मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार का बेटा था, बेटा हूँ। हमारे पिताजी एक गरीब किसान थे जो आज इस दुनिया में नहीं रहे। मैं जब सोचता हूँ, गहन विचार करता हूँ भारत के प्रति और आयुर्वेद के प्रति, तो बहुत दुखित हो जाता हूँ। और दुख के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, सोचने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। कहते हैं जो पहाड़ी चढ़ता है वही जानता है कि चढ़ने में कितनी एनर्जी लगी और ऊपर ऑक्सीजन है या नहीं, बाकी हम किताबों में पढ़ सकते हैं। हमने एक बार नहीं, दो बार, मैं एक बार नहीं दो बार दिल्ली जा करके और पीएमओ ऑफिस में मेरे पास, मैंने उस किताब का जो मैंने कहना चाहता था उस पूरी तरह से इंडेक्स में लगा करके लिखित तौर पे मैंने एक्नॉलेजमेंट भी लाया। मैंने प्रत्युत्तर नहीं आया, नहीं, अब तक मुझे प्रधानमंत्री से कोई मुझे उसका उत्तर नहीं मिला। मैंने कई बार कोशिश किया कि मैं मिल सकूं या मुझे कुछ उनके तरफ से मुझे कुछ पता चले कि क्या आप एक कोई भी एक व्यक्ति है जो अच्छे दिन लाने की तरफ, वो भी अच्छे दिन आएंगे सिर्फ कहने वाली बात जो है। आयुर्वेद को पूरा सिस्टम, हमारा सरकारी तंत्र, हमारा हमारी देश की जो सरकारी व्यवस्था है, वो कहीं कहीं पीछे धकेलने का काम तो नहीं करा, लेकिन कहीं कहीं उसके सिस्टम के जरिए आयुर्वेद को एक हाशिए पर किया जा रहा है और एलोपैथिक पद्धति को ज्यादा बढ़ावा मिला है, उसके ऊपर, उसी के ऊपर हमारी चिकित्सा पद्धति पूरी तरीके से निर्भर होती चली जा रही है। तो अब एक हम आपसे एक छोटा सा चलते चलते हम सवाल ये जानना चाहेंगे कि आज के दौर में जी कैंसर जी, किडनी फेलियर जी, और तमाम तरीके की डेंगू, मलेरिया, तमाम तरीके की बुखार,
ये पहले भी हुआ करते होंगे या नहीं हुआ करते होंगे, या उस समय जानकारियां नहीं थी, या आज वो दौर वो बीमारियां हम उपज रही हैं, पैदा हो रही हैं, अनेकों तरीके की बीमारियां, नई नई बीमारियां, ये कैसे आ रहे हैं? क्या पहले थे, जानकारी नहीं थी, या हमारे आज के सिस्टम में पैदा हो रही बीमारी? सर देखिए, एक आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद का विषय चल रहा है, और अभी अभी आपने विषय छेड़ा था कि आपने एक संस्था बनाई है, थोड़ा मैं उस विषय पे आपसे कहना चाहूँगा कि आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब तक इस हिंदुस्तान में किसके शब्द किसके मुंह से निकला उस पर न ध्यान दे करके, चाहे गरीब टैलेंट बच्चा हो चाहे अमीर बच्चा टैलेंट हो, उनकी बातों को माना जाए, जाना जाए कि ये कितना ही योग्य बात है, ये भारत को कितना मजबूत करेगा, जब तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक बहुत मुश्किल होगा, ये बीमारियां बढ़ती रहेंगी। कैसे कैसे आप जैसे जी जी बात करें कि बीमारियां क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, वही बताना चाहता हूं। मैंने 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 बहुत सारा विषय को मैंने लेकर जो गया प्रधानमंत्री जी के पास कि आप जो महानगर पालिका जो सड़कों पे वृक्ष लगाती है उस पर यदि फलदार वृक्ष लगाए जाएं और जो गरीब मजदूर हैं उनको उसकी जिम्मेदारी दी जाए, या सफाई कर्मचारी हैं उनको यदि ये जिम्मेदारी दी जाए, तो बोलते हैं ना आम काम गुठली का दाम, उससे लोगों को सस्ते फल भी मिलेंगे। आज आपको पता है सर, एक पेरू 10 रुपया 15 रुपया ऐसे पड़ते हैं, एक एप्पल खरीदने जाइए तो 30 रुपया 40 रुपया एक एप्पल मिलता है। मैं माना कि हर भूमि अलग अलग है, कश्मीर साइड है तो एप्पल लगेगा, लेकिन बहुत सारी जमीन ऐसे हैं सड़क के किनारे जो ऐसे ही पड़ी हैं, सरकार महानगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, आपने ये विषय आपने अभी अभी बताया कि कैसे बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब ही मौसम के हिसाब से यदि हम चुनाव करें कि हमें कौन से भाजी खाना चाहिए, मौसम के हिसाब से प्रकृति के नज़दीक अगर हम रहें तो बीमार नहीं पड़ें, अच्छा। प्रकृति को यदि हम समझें तो बीमार नहीं पड़ें। जिस तरह से प्रकृति हमें समझाती है कि बारिश के दिनों में, जैसे मान लो दूधिया हो गया, दूधी हो गया, तिरोई हो गया, लौकी जो भी कुछ है वो सब जमीन के कई फुट ऊपर जाके फल लगता है, तो इससे क्या होता है, जितने भी छोटे छोटे कीट पतंग जो होते हैं, जैसे एक महानगर मतलब आरोग्य में कहा गया वेक्टर बॉर्न डिजीज है ना, तो जो कीड़े कीट पतंगों से, जैसे मच्छरों से जो बीमारी होते हैं, मलेरिया होता है, या वाटर बॉर्न डिजीज पानी से जो बीमारी होती है, तो मैं कहना चाहता हूँ अभी पालक डॉक्टर सलाह देता है कि पालक में आयरन है खाइए, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स ये नहीं बता पाते हैं, बताना चाहिए कि बारिश के दिनों में पालक भी मत खाओ, इसलिए मत खाओ क्योंकि जब बारिश जब गिरता है तो उसके पानी छींटे पड़ते हैं पालक के ऊपर, कीड़े पतंगे जो भी कुछ लग जाते हैं, तो बारिश में नहीं खाना चाहिए जी। तो बारिश में मतलब आपके हिसाब से अगर बारिश में रोगों से बचना है तो हम वो मौसम के फल खाएं, जैसे हो गया जो ऊपर जाकर फलते हो, ऊपर जाके कटहल हो गया, दुधिया हो गई, लौकी हो गई, तिरोई हो गया, परवल हो गया, परवल तो छोटे पौधे के दो, देखिए परवल क्या होता है, परवल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तब प्रकृति ने एक चीज दिया, परवल बहुत ही शुद्ध जगह पे होता है, शुद्ध जगह, हाँ आप देख लीजिए, परवल खाना चाहिए, फिर और जैसे भिंडी है, भिंडी भी ऊपर लगता है, ऊपर भी लगता है जी। तो मतलब जो फल ऊपर उगते होंगे, जो जमीन से जुड़े हुए फल नहीं है, जो सब्जियां नहीं, जैसे मतलब पत्ते की सब्जियां तो नहीं खानी चाहिए, लीफी वेजिटेबल बारिश में नहीं लेना चाहिए, पत्तों की नहीं खाना चाहिए, जैसे पालक है, धनिया का इस्तेमाल तो हर सब्जी में होता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नमक वाले पानी से धोकर यूज कर सकते हैं, नमक बैक्टीरिया मारने का पावर होता है उसमें, नमक वाले पानी से धो सकते हो, पालक भी खा सकते हैं, पालक अच्छे से धोए, अगर बढ़िया से धोए पानी ज्यादा लगेगा, हाँ, तो मतलब अगर धनिया और मिर्ची
का इस्तेमाल भी। मिर्ची पर देखिए बहुत सारे केमिकल छिड़काव होता है, अगर लाते हैं मिर्ची बाजार से तो उसको पहले पानी में धो लीजिए, कोई भी सब्जी लाइए तो पहले पानी में अच्छे से धो पानी लीजिए, धोने नमक पानी से धो ले तो सबसे अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा एक बात और आती है लोगों का, जहाँ तक मुझे सुनने में आता है कि जो जो फ्रिज में हम सब्जियां रख देते हैं, जी जैसे टमाटर हो गया, जी टमाटर फ्रिज में रखने के बाद उसके जो प्लास्टिक का जो उसका जो वो है वो बहुत कड़क हो जाता है और वो बहुत बड़ा नुकसान करता है, क्या जी इसमें इसके ऊपर थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए, फ्रिज में सब्जियां रखने के बाद उसका क्या देखिए प्रभाव कोई पड़ता भी है? सब्जी फ्रिज में रखने से नुकसान तो होता ही है, परंतु ये जमाना जो चल रहा है इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि हर रोज़ तो बाजार से ऐसा, अगर यहाँ अगर घर में बचाते हैं तो बाहर भी बाजार में जो होलसेल मार्केट जो आता है वहाँ भी फ्रिज में ही रहता है, कोल्ड स्टोर में ही रहता है, तो ये बचना बहुत मुश्किल है, इसे बचाना, बीमारी होती लेकिन है, बचाना चाहिए, बचाना अगर चाहिए घर में। अगर शुद्ध जी और ताजी भाजी मिले और ताजी सब्जियां जी खाएं तो हमको ज्यादा स्वस्थ वर्धक भी रह हाँ, सकते पर हैं। मुश्किल अच्छा है। अच्छा और एक बात और बता सकते हैं कि जो कुकर में दाल का जो हम खाने पकाते हैं वो जी क्या हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि फायदेमंद है, या क्या है उसके लिए? बहुत, अभी अभी अगर कोई भी दाल वगैरह बनाते हैं आप तो उसे अच्छे से धो लीजिए, और देखिए विषय जो है बहुत गंभीर मुद्दा है और ये हम कहें कोई मानने वाला नहीं नहीं है, है हाँ, क्योंकि अभी जमाना चल रहा का है। सिस्टम हो गया, जी जल्दी सिस्टम सबको हो गया। जल्दी हाँ में तत्कर जो तुरंत भागना है, काम करना है, जी, समय की सबके पास अब वो फिर कमी यही बात पर रहता आकर रुकती है कि मॉडर्न साइंस और ये आयुर्वेद, है। हाँ एलोपैथिक मेडिसिन और ये, तो यही एलोपैथिक है जो चल रहा है अभी, कुकर बना रहे हैं एलोपैथिक है और अच्छे से अलग अलग बर्तन बना रहे हैं वो आयुर्वेद है। आयुर्वेदिक है। जी तो मतलब हमारे कहने का मतलब कि हमको अगर हम भारतीय संस्कृति के हिसाब से जागरूक रहें जी और हम एक नियम बनाएं, नियम के जी अनुसार खाना खाएं, मौसमी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान बिल्कुल दें, सही है सर। तो हम रोगों से बच सकते हैं। लेकिन अब एक चीज़ और आती है साहब, डेंगू मलेरिया ये जो बरसात के मौसम में उभरते जी हैं, इससे क्या, क्यों बारिश के मौसम में ज़्यादा उभरते हैं और इससे क्या उपाय बचने के? एक्चुअल डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो स्वच्छ पानी में रहते हैं, और जहाँ भी पानी रुकता है, जहाँ इकट्ठा होता है, वहाँ पे स्थिर पानी में वो डेंगू के जो वहाँ पे जन्म लेते हैं वो। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं संदेश भी देना चाहता हूँ कि अपने घर या आसपास कहीं भी अगर रुका हुआ पानी है तो उसको पानी रुके हुए बर्तन में 7 दिन, 4 दिन, 5 दिन से ज़्यादा ना रखें, जैसे अभी गमले में पानी रुक जाता है तो तो उसमें जी वो भी हाँ उसमें डेंगू वहाँ पर उत्पन्न हो पैदा सकता है। होता है। तो मतलब आजकल देखा जाए तो अक्सर में हर घरों में एक तरीके से एक पानी रखने रिवाज के बन गया है लिए कि गमले रख देते हैं और गमले में पानी जमा हो जाता है, जी तो उससे ज़्यादातर डेंगू के मच्छरों का हाँ पनपना, डर जन्म रहता है, लेना डर ज़्यादा बना हो रहता है। सकता है। तो इस सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आजकल जितने तरीके से डेंगू और मलेरिया की बीमारियाँ फैल रही हैं उससे भी रोक अपने आप को बचाव कर सकते हैं, और काफ़ी कुछ सावधानियां जो डॉक्टर साहब ने बताया हम उस पर ध्यान दें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं और अपने बच्चों को, परिवार को स्वस्थ और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। बस हमें सावधानियां बरतनी है। हम परिचर्चा को विराम देते हैं। हम कुछ और मुद्दों पर डॉक्टर साहब के साथ फिर परिचर्चा करेंगे। एनजीओ या संस्था है उसका उद्देश्य क्या है, उस पर हम एक डिबेट, लंबा और बड़े लंबे डिबेट का एक विषय है वो, और बड़ी बारीकी का विषय है, बहुत ही बड़ा विषय है, उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन हमारे पास समय समय की कमी है और आपके पास भी समय की कमी है, तो फिलहाल हम उसको यहीं पर विराम देते हैं। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार। नमस्कार।